ये है 1 टेबल स्पून मैदा, और मैगी फ्लेवर का जो पाउडर होता है वो उसको हम इसमें ऐड कर दिए हैं। चलिए हम इसको अच्छे से अभी मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसमें अभी ऐड करते हैं टोमेटो केचप। तो देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, तो अब इसके बॉल्स बना लेंगे। जिस तरह हम वीडियो में बॉल्स बना के आपको दिखा रहे हैं उसी तरह आपको बॉल्स बना लेना है हल्के हाथों से, और कोटिंग आपको सेम मैगी से ही तोड़ के जो है पीसेस करके उसकी कोटिंग कर लेना है। तो देखिए हम अभी इसको साइड में रख लेंगे। इसी तरह हमें सारे बॉल्स को तैयार कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी बारी हमारी फ्राई करने की। अब हमें बॉल्स को जो है फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम बॉल्स को ज़्यादा जलने नहीं देंगे या फिर ज़्यादा पकने नहीं देंगे, हल्के हाथों से हम इसको लाइट से पका लेंगे, यानी कि लिटिल ब्राउनिश हम इसको कर लेंगे। थोड़े थोड़े बॉल्स डाल के हम फ्राई करेंगे ताकि हम फ्राई करने में हमारे लिए आसानी हो जाए। आप भी अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे बॉल्स जो है लिटिल ब्राउनिश हो गए हैं। तो चलिए हम इसको अभी निकाल लेते हैं। स्ट्रेनर में हम इसमें निकाल लिए हैं अभी, तो हम इसमें जो है प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। अब ले लिए हैं हम पैन और उसमें डाले हैं थोड़ा सा तेल। अब इसका हम जो है सॉसेज बना लेंगे। अब हम डाले हैं इसमें गार्लिक और हरी मिर्च, और इसको हम अच्छे से सौते कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे प्याज और इसको हम अच्छे से सौते कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन कैप्सिकम। आप चाहे तो कलरफुल कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन आपकी जो सॉसेज है दिखने में बहुत ही यूनिक लगेगी। हमने बस इसमें ग्रीन कैप्सिकम इस्तेमाल किए हैं और इसको हम अच्छे से सौते कर लेंगे। और इसमें हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, और 1 टेबल स्पून विनीगर, वाइट विनीगर, और 1 टेबल स्पून सोया सॉस, डार्क सोया सॉस। अब हम इसमें डालेंगे टोमेटो केचप। आप चाहे तो चिल्ली सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपनी सॉसेज को स्पाइसी खाना चाहते हैं तो फिर आप चिल्ली सॉस इस्तेमाल करें, नहीं आपको अगर स्पाइसी नहीं खाना है तो फिर आप टोमेटो केचप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम ले लिए हैं 2-3 टेबल स्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर। अब इसमें जो है हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका थिक बैटर बना लेंगे। बैटर बना के हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से कुक करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी हम बीच में ऐड करेंगे ताकि हमारा सॉसेज जले ना। अब इसमें हम ऐड किए हैं ऑनियन स्प्रिंग्स, प्याज की पत्ती। अब हम इसे अच्छे से कुक कर लेंगे।
थोड़ा पानी हम इसमें ऐड किए हैं अभी और अच्छे से पका लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा सॉसेज तैयार हो गया था, तो इसलिए हम इसमें जो है मंचूरियन बॉल्स ऐड कर दिए हैं और हम इसमें अच्छे से सॉसेज में जो है हमारे बॉल्स को मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी मंचूरियन तैयार हो गई है सर्व करने के लिए। तो देखिए कितनी मज़ेदार और क्रिस्पी बॉल्स हमारे थे और हमारी सॉसेज इतनी मज़ेदार हमने पकाई है। आप भी अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी और आप जब अपने घरों में ट्राई किए तो कैसी आपकी रेसिपी बनी, कमेंट सेक्शन में शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।